यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। 2 अक्टूबर 1869 को इस देश में एक संत का जन्म होता है, एक महात्मा का जन्म होता है, हमारे राष्ट्रपिता बापू का जन्म होता है। 30 जनवरी 1948 को वो महात्मा अपनी अंतिम सांसें लेता है। हम आप सब ने महात्मा गांधी बापू को लेकर बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, और तमाम कहानियां जो हमारे मन में उनकी एक इमेज बनाती है, जो लोग हमसे कहते हैं, जो हमें पढ़ने को मिलता है, सत्यवादी, सत्य निष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति, जो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, जो हमेशा सच बोला करते थे, तो ये अपने आप में जिस पीढ़ी का हिस्सा हम लोग हैं वो बहुत रोमांचित करने वाला भी है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला भी है कि एक आदमी हमेशा सच कैसे बोल सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मुझे लगता है एक छोटा सा किस्सा जो मैंने पढ़ा है, जो खुद बापू ने लिखा है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, जो उनकी आत्मकथा है, बापू लिखते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब उनके पिताजी बहुत बीमार हुआ करते थे। महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई, जिनकी उम्र गांधी जी से 1 साल बड़ी थी, कस्तूरबा जी। और पिताजी की का देहांत, उनके पिताजी का देहांत 1885 के अंतिम समय में होता है। तो ये उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी के पिताजी बहुत बीमार हुआ करते थे। महात्मा गांधी की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था कि वो अपने पिताजी की रोज सेवा किया करते थे, और जब तक पिताजी खुद मना ना कर दें वो वहां से उठकर नहीं जाया करते थे। लेकिन शादी के बाद बापू के सोचने के तरीके में बदलाव आ गया। वो खुद लिखते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि पिताजी की सेवा करते हुए, जब वो अपने पिताजी की सेवा करते थे, पिताजी के पांव दबाते थे, ऐसा करते हुए उनके मन में एक ख्याल आता था कि मैं इससे जल्दी से अगर फ्री हो जाऊं तो मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, अपने कमरे में जाऊंगा। और ये रोज हुआ करता था महात्मा गांधी के साथ। चूंकि पिताजी बीमार थे तो उनसे मिलने उनके भाई भी आए हुए थे, महात्मा गांधी के चाचा जी। तो ये यूं ही एक दिन की बात है जब बापू पिताजी की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, और ठीक वही बात उस समय भी बापू ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये करके मैं अपने कमरे में चला जाऊं, अपने पत्नी के पास चला जाऊं। इतने में चाचा जी कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, पिताजी की देखभाल मैं करूंगा। बापू जो लिखते हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है उस समय वो काफी खुश हुए कि वो जो चाहते थे, वो कमरे में जाना चाहते थे, इससे जल्दी फ्री होना चाहते थे, और ये मौका उनको चाचा जी के आ जाने से, चाचा जी के बोल देने से मिल जाता है। वो अपने कमरे में जाते हैं, अपनी पत्नी के पास जाते हैं, और कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, और दरवाज़ा बंद होने के 10 मिनट बाद दरवाजे से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाता है कोई। बापू उस समय काफ़ी नाराज़ होते हैं कि अभी अभी आया हूँ, कोई ऐसे क्यों दरवाज़ा पीट रहा है। बापू पूछते हैं कि क्या बात है, तो बाहर से एक आवाज़ आती है जो उनके नौकर की आवाज़ है। वो कहता है बाबूजी बहुत बीमार है। तो बापू जो लिखते हैं कि पिताजी तो बीमार थे ही, जब बाहर से ये आवाज़ आती है कि बहुत बीमार हैं, तो उन्हें एक अजीब सी शंका घेर लेती है, वो डर जाते हैं, और वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, अपने कमरे से बाहर आते हैं। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, वो आते हैं, उससे पहले उनके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले चुके हैं। और इस बात का बापू को पूरा जीवन इस बात का मलाल रहा। वो हमेशा इस बात को लेकर अब खुद को कोसते रहे कि घर में होते हुए भी अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में वो अपने पिताजी को नहीं देख सके, उनके साथ नहीं थे।
तो बापू किस तरह के थे, उनकी शख्सियत कैसे थी, वो क्या सोचते थे और वो किस तरह के व्यक्ति थे, छोटी सी कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति कितनी सरलता से अपने जीवन का इतना बड़ा सच लिखकर चला जाता है। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन बापू की हत्या हुई। 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन जिस दिन बापू अंतिम सांसें लेते हैं। मैं उस दिन का एक दूसरा पक्ष बताता हूं आपको, जिस व्यक्ति ने बापू की हत्या की, नाथूराम विनायक गोडसे। उस दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रुकता है और रात जैसे खत्म होती है सुबह आती है। 30 जनवरी 1948 की सुबह नाथूराम गोडसे अपने मित्र आप्टे से कहता है कि उसे मूंगफली खाने की इच्छा है। उस दिन जिस दिन वो इस देश का, शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था, उस दिन उसने अपने दोस्त से इच्छा जताई कि उसे मूंगफली खाने का मन है। आप्टे स्टेशन के बाहर तक जाते हैं लेकिन आसपास चूंकि कोई मूंगफली वाला था नहीं तो वो मूंगफली लाने में नाकाम होते हैं। वो वापस आते हैं, वो नाथूराम से कहते हैं कि देखो मूंगफली तो मिली नहीं लेकिन अगर आप कहो तो मैं आपके लिए काजू या बादाम ला सकता हूँ। गुट से कहते हैं कि नहीं, उनकी इच्छा बस मूंगफली खाने की है। आप्टे फिर जाते हैं और कहीं से ढूंढ कर इस बार मूंगफली लेकर आते हैं। बड़े चाव से गोट से उस दिन मूंगफली खाते हैं और जिस समय खा रहे होते हैं तो आप्टे उनसे कहते हैं कि देखो हमारे चलने का वक्त आ गया है। बिरला भवन तक जहाँ पे बापू थे, बिरला भवन तक वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन से दो तांगों के जरिए पहुँचते हैं। शाम के 4 बजे करीब वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिरला भवन के लिए निकले हैं। अच्छा, बापू की दिनचर्या, बापू प्रातः उठ जाया करते थे, करीब 3:30 बजे के करीब का वक्त हुआ करता था। उस दिन भी बापू वैसे ही जगे, अपने सहयोगियों को जगाया, आभाबेन, मनुबेन और बालकृष्ण को जगाया और सुबह से बापू से मिलने वाले लोगों का तांता लग जाया करता था। उन दिनों 7 बजे से जो मिलने का सिलसिला शुरू होता था, बापू पूरे दिन लोगों से मिला करते थे, ज़रूरतमंद लोगों से मिला करते थे। शाम 4 बजे के करीब उनसे मिलने सरदार पटेल आते हैं, हालांकि उस दिन सुबह के वक्त उनसे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू भी मिलकर जाते हैं, लेकिन शाम को सरदार पटेल उनसे इस बात को लेकर मिलने आते हैं क्योंकि उन दिनों कांग्रेस में सरदार पटेल और नेहरू के बीच आपस में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। सरदार पटेल इन चीज़ों से बहुत व्यथित थे और वो यही बात करने बापू से उस दिन आए हुए थे। सरदार पटेल से बातचीत करते करते बापू उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें प्रार्थना सभा में जाने का वक्त याद नहीं होता है। शाम के 5 बज जाते हैं, 5:15 हो जाता है। आभा और मनु उस दौरान 2 बार बापू को बोल चुकी होती हैं कि हमें प्रार्थना सभा में चलना चाहिए। बापू इस तरफ गौर नहीं कर पाते। 3री बार में उनका ध्यान प्रार्थना सभा की तरफ जाता है और वो झटपट खड़े हो जाते हैं। अपना एक हाथ आभा के कंधों पे देते हैं और दूसरा कंधा मनु के कंधों पे और बापू तेज कदमों से प्रार्थना स्थल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन इस बीच में बहुत भीड़ होती है, जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पैरों को छूना चाहते हैं, उनको देखकर कृतार्थ होना चाहते हैं। मनु और आभा उस भीड़ को छांटते हुए बापू को आगे ले जाना चाहते हैं। इसी बीच बापू से 3 फुट दूर पे खड़ा एक नौजवान व्यक्ति आता है जो सिपाही की वर्दी में है। मनु उसको भी साइड करना चाहती है ताकि बापू आगे जा सके, लेकिन वो मनु को धक्का देता है। धक्का देने के साथ उस समय बिरला भवन में 3 गोलियों की आवाज आती है और वो 3 गोलियां चलाने वाला व्यक्ति नाथूराम गोडसे होता है और जिस पे उसने गोली चलाई है वो है बापू राष्ट्रपिता। गोली लगते बापू जमीन पे गिर पड़ते हैं। आभा बहन उनको जब तक संभालती तब तक बापू लगभग अपनी अंतिम सांसों के बीच जो बोलते हैं, हे राम।